जी तरह सबका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। और टाइम बज गया 8 और आज हम ट्रेन में आए हैं, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग ट्रेन से ही करी है। ये वंशु बैठी है, टॉफी खा रही है। और रात में बैठे थे हम ट्रेन में, पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाए हैं। कुछ देर तो सोए हैं लेकिन फिर भी वहाँ नींद पूरी नहीं होती जो घर पर हुआ है। और अभी हम बैठे हैं, सवेरे हमने थोड़ा बहुत चाय पानी नाश्ता ले लिया है। और अभी बैठे हैं, सारी सवारियाँ ऐसे ही हैं, मतलब कोई चाय पी रहा है, कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और देखो मेरी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई एक दिन में, जैसे आँखें बिल्कुल नींद पूरी ना होती ना वैसी हो रही है। और अभी पहुँचने में हमें टाइम लगेगा क्योंकि हमारी लोकेशन अभी दूर है। पहुंच जाएंगे हम धीरे धीरे करके, फिर जहाँ जा रहे हैं हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ट्रेन चल रही है, फास्ट चल रही है वैसे तो, लेकिन अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुई है दोबारा से। अम्मा बता दो क्या हम तो बैठे, कोई सोन लग रहा, कोई ओडा सोन लग रहा, कोई ओडा सोन लग रहा, हम आ रहे हैं बैठे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, अजय अपना अलग मस्ती में बैठे हैं। और ये बाहर का सीन है कुछ इस प्रकार, पर मौसम तो ठंडा हो गया है थोड़ा सा। किसी के घर है, किसी के घर के बाहर ने लाइन होगी, मना करे या नहीं। पानी आ रहा है, नदी है, ये नदी आ रहा है, पानी में उसमें नदी में गिर जाएंगे, तो वो गिर जाएंगे हैं। नदी तो ये नदी होता था ना। बाय बाय। बता दे रास्ता पहुंचे हैं, देखियो कर बोले बोले एक तरह मुंह कर रहे आयो। चल दिया चल दिया। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर दे इसका, रिकॉर्ड कर दे, हम देख खड़ा हो गया। ओ ये प्रणा के कर रखे हो बता दे बेटा। हम खड़े हैं क्योंकि ट्रेन रुक रही है इस साइड, साइड कुछ इस तरह का माहौल है, ग्रीनरी है काफ़ी सारी। और हम खड़े हैं, काफ़ी थकावट हो रही है, हमारा आधा रास्ता तो क्लियर हो गया, आधा ही रह रहा है। और देखो बिल्कुल से कलते ही थकावट महसूस हो रही होगी। आ जाइएगा। और हमने आराम भी काफ़ी करा है लेकिन फिर भी थकावट काफ़ी महसूस हो रही है, बाकी बात पहुँच का करेंगे। ठीक है बाबा, आप सुनाओ, आप ठीक हो? अरे डंडे के लिए किसने पिटन की सलाह कर रहे हैं? मारे बाबा ने एक सौदी आई है, सारा दिन का रोटी खा कर सोया पड़ा था। अरे कि हो ये पूरा दिन नु कहंदा रहा, मैं एक मिनट नहीं सोया। अरे ये हमारा बेटा पूरा दिन सोया रहा है, इसने इस तरह नु नहीं बेरा सफर का कोड पे गया सफर को नहीं गया। कह तो दिया हमारा बेटा दूर की दूर सोंदा आया हुआ खबर सो जाए। एक ही ने देखो एक ये सैंपल यार, ये भाई पहले यार जोड़ गया सैंपल सेम जाया खराब हो गई, चुरमा लाया वो करता था। हां फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक बार हुआ है मैंने की पूरी सारी खा गए, मैं तो नहीं खा ले बाबा। ओके बाबा जाट का तुमने खा गया बड़ी हाल है, सारी पूरी खा गए, चुरमा ने चुरमा को खा सके एक को चुरमा ही नहीं,
में लाउट नहीं है जी मनता। हाँ सही बात है, लुक का कर लो अलग बात है। ये बाबा ठंडा पीता है, बाबा ने ठंडा लिया दिखा दे, कल्ला ही कल्ला पीन लग रहा है, अक्षरा पूछना भी नहीं है। टीवी वीडियो के मारे इनमें दिखा रहा है, मतलब मैं दे रहा हूँ बच्चा दे देखो आप उल्टा मंग लग जाएगा। ठंडा पी लो जिससे न पीना हो तो। हमारी सीट इसी है यार, मैं पूरी रात इस सीट पे सोई रही, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो रहे थे हम। पी लो, थम गिला है मुंह बैगा बैठ गई, पी लो पहला फिर पी लूँ मैं तो। मिले क्लास ले आऊं तेरे हाथ में, बड़े हो ना फैसिलिटी तो चाहिए, ग्लास के मुझको चाहिए। हमी भोपाल स्टेशन पर उतर रहे हैं, ये हमारी ट्रेन है, ये अजय है, पीछे पीछे लग रहा है, बाकी पीछे संगत है, आपने दिखा लग रही होगी, काफ़ी लोग हैं मतलब, और वैसे भी भीड़ हो रही है। हम सोचा इतने ट्रेन रुक रही, हम बैठे बैठे थक गए थे, भोपाल का स्टेशन आया तो हम उतर गए। भोपाल है और क्या है ये भोपाल? अच्छा चल जो भी है, मैंने सोचा भोपाल है, अजय ने कहा कोई और सा स्टेशन है, मैंने सोचा भोपाल है यूँ। हाँ मैंने ट्रेन बैठे बैठे ज़्यादा थक गए थे, सोचा थोड़ी देर आंड लेवें फिर लेवें और अपना व्लॉगिंग भी हो जाएगी साथ साथ। आज जमाना मेरे तो नाड़ में भी दर्द हो रहा है, पूरा शरीर में थकावट हो रही है ज़्यादा ही, आंड दे फिर दे व्लॉगिंग कर रहे हैं हम तो। ये दो बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं, एक ये बच्चा है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, और एक ये सेकेंड भाई। आप अपना नाम बता सकते हैं? नाम बताने की गई है बिना टिकट के हैं। ये दोनों बिना टिकट के आ रहे हैं, और चूरमा ले आ रहे हैं, रोटी ले आ रहे हैं, मतलब काम ही ना सही कर रखे, अब ऐसी टिकट नहीं ले ही हो। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। देखेंगे शिरडी जान खातर, हम शिरडी आए हैं फाइनली, थोड़ा पता लग गया साईं बाबा के दर्शन करने थे इसलिए हम शिरडी आए हैं। हाँ ये एक बहुत ही अच्छा भाई है जो सबकी मदद करता है। नाम बता दो अपना, क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है इनका, मस्ती में हम तोता राम कहते हैं। बड़ी मुश्किल था, नरी देर बाढ़ देख देख के पूरा 24 घंटे में आए ना पा, 26 पूरे 26 घंटे में हम ट्रेन में तो उतरे, ऐसा लगा जो जेल में तो लिकड़ेर बाज लुड़ता है। बाकी थोड़ी सी हमने खुशी हुई है। राम राम जी सब ने, हम शिरडी आज पहुँच लिए हैं, द्वारका माई तो थोड़ा सा दूरी पर खड़े हैं सड़क पर, फिलहाल इस तरह का मौसम हो रहा है और सारी संगत अभी खड़ी है, चाय पानी ले होंगे, थोड़ी नींद सी उतरेगी हमारी।